हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ नंबर कैसे निकालें। जी हाँ, छोटा सा ट्रिक है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें, आप जान जाएंगे कि व्हाट्सएप पर भाई अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया तो अब वो नंबर कैसे निकालें ब्लॉक लिस्ट से। जी हाँ, व्हाट्सएप पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है तो उसका मोबाइल फ़ोन आप थोड़ी देर के लिए लेना और ब्लॉक में से कैसे निकालना है आगे देखिएगा। और अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया और निकालना चाहते हैं तो भी देखिएगा। जी हाँ, उसके पहले एक मैं आपको ये बताऊं, आप ये छोटा सा काम कर लें। यहां पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक करें और इस लाल रंग के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर बेल के आइकन पर क्लिक करें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का होम पेज है, ऊपर थ्री डॉट पर जाना है, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद अकाउंट्स में जाना है, उसके बाद प्राइवेसी में जाना है और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर करना है और नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लॉक। तो देख सकते हैं वन, मैंने एक नंबर को ब्लॉक किया था, ये नंबर आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर करना है क्लिक और यहाँ पर शो हो रहा है अनब्लॉक। ठीक है, अनब्लॉक, तो यहाँ पर क्लिक किया तो अब ये नंबर फ्रेंड्स अनब्लॉक हो चुका है। बस यही सेटिंग है नंबर को अनब्लॉक करने की। जी हाँ, तो बस हो गया, अब ये नंबर यहाँ पर जो है अनब्लॉक हो चुका है। तो फ्रेंड्स यही सेटिंग्स थी, आराम से आप भी करें और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके आल पे क्लिक कर दें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको ऊपर करें, नीचे कमेंट करके बता दें। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। जी हाँ, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करना ताकि और भी हमारे चैनल पर आपको तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मिलते ही रहेंगे व्हाट्सएप के रिलेटेड। जी हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।